दोस्तों, आज जिस स्टॉक की चर्चा करेंगे वो पिछले एक साल में 85% की उछाल कर चुकी है, जिसका नाम है नूपुर रिसाइकलर लिमिटेड। अब ये कंपनी क्या करती है, क्या नहीं करती है, इसके पीछे हम एक एक जानेंगे, क्योंकि इस कंपनी को लेकर के कुछ बड़ी चार्ट आकलन ये कहता है कि लगातार ये बुलिस, लगातार कंटिन्यूस बुलिस ट्रेंड में देखने को नजर। चलिए थोड़ा सा पार्ट समझते हैं इस कंपनी को लेकर के। यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात करती है, कहती है मेटल रिसाइकलिंग का कामकाज है, प्रोसेस हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से। इनका जो कामकाज था उसमें थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला था। साथ में कहती है कि डिक्रीज जो वाटर पॉल्यूशन बाई 76% और भी ये काम करेगी। इससे क्या होगा, जो कि इनका जो प्रोसेस है रिसाइकलिंग प्रोसेस है, उसमें एक तो एनवायरमेंट पॉल्यूशन जो कि पॉल्यूशन है वो 86% रिड्यूस हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, रदर वाटर भी करीब 76% रिड्यूस होने के चांसेस बनते हैं। जो कंपनी कहती है, जो इनके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में एक ना नज़र डालें, तो ये कहती है कि हमारे पास क्या है, एलुमिनियम्स जोबराज का कामकाज है, स्रेडेंस ब्लास्ट एंड द स्रेडेंस जिंक्स। मेनली इसके वेबसाइट पर देखा जाए तो ये मटेरियल से रिलेटेड जो कि रिसाइकलिंग का कामकाज है, जिसको इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, उसमें ट्रेडिंग का पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना, ये सारे काम करते हैं। साथ में एक काम और निकल के आता है जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर। आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कंपनी काम क्या क्या करती है, यहाँ पे देखने को आती है। इनकी वेबसाइट्स पर कुछ इन्फॉर्मेशन तो है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन एक्चुअल में क्या करती है वो ऐसा इन्फॉर्मेशन देखने को नजर नहीं आती। कहती है जो कि नूपुर रिसाइकलर्स इज द लीडिंग कंपनी इज द फील्ड ऑफ द इम्पोर्ट ऑफ द नॉन फेरस मेटल स्क्रैप्स सच एज द जो कि जिंक स्क्रैप की बात करती है, जिंक डाइज की बात करती है, ये सब चीज को क्या करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और इसमें इन्वॉल्व है ट्रेडिंग को लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, उसी से रिलेटेड कामकाज करती नजर आती है, जो कि मेटल्स को इधर से उधर रिसाइकलिंग करके न्यू प्रोसेस करना और ये सारे काम काज करती है। वो समझ में ये आती है जो कंपनी रिसाइकलिंग से बिलोंग करती है, जिसने एक साल में 85% की उछाल किया है और लास्ट 6 महीने में करीब 50% की उछाल। अब आते हैं इस कंपनी को लेकर के, थोड़ा सा फंडामेंटल जानने की प्रयास करते हैं और वो क्या कहती है। वहां पे देखा गया कि कंपनी का बुक वैल्यू कहता है करीब 12 रुपये के आसपास, करंट प्राइस कहता है 122। अब इन दोनों का आकलन करके देखें तो फिलहाल ये 10 गुने के आसपास ट्रेड करती नजर आती है। इस स्टॉक को लेकर के देखें, इस स्टॉक में भीड़ काफी ज्यादा हो चुका है कंपेरेटिव टू द सेक्टर वाइज। सेक्टर के जो अदर कंपनियां हैं उनसे जो उनमें यदि भीड़ 40 लोगों की भीड़ है, तो यहाँ पे कह सकते हैं जो 88 लोगों से ज्यादा की भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हो चुकी है। अर्थात यहाँ पे दो कारण हो सकते हैं किसी भी स्टॉक में, इसको डिमांड यहाँ पे भीड़ होने के दो कारण हो सकते हैं, या तो उनकी क्वालिटी काफी अच्छी है, उनका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है, या मार्केट में वैसे ही लोग इसके झांसे में, किसी झांसे में आके आ गए। तो यहाँ पे क्या आंकड़ा निकल के आता है वो एग्जैक्टली पता चलेगा जब हम इसके डीपली पे चलेंगे। इसके पीछे कारण देखा है तो इसका अर्निंग पर शेयर भी कहता है 1.38 रुपये के आसपास, जो कि फेस वैल्यू है करीब 10 रुपये का। मतलब ये समझ में आती है जो नियरली ये 13% के आसपास की रिटर्न जनरेट करती है ईपीएस के बेसिस पे। अब आती है, सवाल आते हैं क्या स्टॉक ने जो इस डिमांड है, डिमांड के पीछे और क्या का कारण हो सकता है। तो पहले कारण देखा है तो कहते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो, दूसरा कहता है करंट रेशियो। ये अब ये समझिए, ये जो पार्ट्स हैं, मैं इसको जरा एक बार कहता हूँ, ये जो पार्ट्स हैं वो पीएल का पार्ट है। क्यों? क्योंकि पीएल में जो भी डेटा निकल के प्रॉफिट और लॉस जो कि बुक्स किया जाता है बुक के अंदर, तो यहाँ पे ये देखने को ये मिलती है जो नंबर ऑफ शेयर कितना है, 6,86,00,000, इससे डिवाइड कर देंगे तो ये निकल के आती है। और इसमें करंट प्राइस के हिसाब से इसको डिवाइड कर दो ये निकल के आती है, फिर इसके हिसाब से ये देखा जाता है, जिसके हिसाब से भीड़ बन गई तो मार्केट की प्राइस क्या हुई, जंप कर गई। अब आती है सिलसिला, जो इसके पीछे जो बैलेंस शीट के फिगर है वो क्या कहते हैं, और वो उसके बारे में हमें जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि तो एक जगह पे प्रॉफिट को ऐसे ऊपर से दबाने का काम करता है हथौड़ा डाल के, दूसरी जगह से काम करता है जिनको प्रॉफिट को बुक कराता है इसके बेसिस पे उधार सेल्स को लेकर के। तो आखिर इन दोनों में आपस में क्या कहता है इसके पीछे, पता है इसके पीछे हमने केवल एक ही चीज पे काम किया जिसका नाम है R2R। अब आया R2R क्या है, इसमें हम जानेंगे रिस्क टू रिकंसलेशन को लेकर के और रिस्क टू रिटर्न को लेकर, इन दोनों के कंक्लूजन पे चलेंगे। तब तक आते हैं
स्टॉक की जो प्राइस है फिलहाल ये ओवर वैल्यूड है, लेकिन ओवर वैल्यूड इतना भी नहीं है क्योंकि तो हायर टू हायर ये 129 तक टच किया था। मतलब यहाँ पे मार्केट में इसको इसके प्रति इंटरेस्ट बना हुआ है लोगों का, इंटरेस्ट इंटरेस्ट के प्रति हम जाएंगे, जो कि काम का जिनका रिसाइकलिंग का काम देखने को मिला। अब आती है प्रमोटर्स होल्डिंग। प्रमोटर्स होल्डिंग अच्छी खासी पोजिशन के साथ कामकाज करती है। आरओसी की बात करें, हिस्टोरिकल डेटा तो 13% के आसपास, आरओई की बात करें तो 9%। अब डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। अब आते हैं उस ऐसे फैक्टर को लेकर के, एस्पेक्ट को लेकर के जिसके बारे में हम जानेंगे। इसलिए इस जो डेटा यहाँ पे है, जो समरी डेटा यहाँ निकल के आई थी, इसके पीछे हम क्या करने वाले हैं, एक एक के पीछे हम जाकर के रिस्क टू रिकंस्ट्रक्शन समझेंगे और इसके बाद जानेंगे कंपनी को फंडामेंटल की कंप्लीट स्टडी की तरफ। तो चलिए जानते हैं, जहाँ पियर्स में देखा गया कि अदानी इंटरप्राइजेस, एजिस लॉजिस्टिक्स, सेलो वर्ल्ड जैसी कंपनीज यहाँ पे है, वहाँ पे इन सभी कंपनियों में भीड़ की बात करें तो अभी भी अदानी के अंदर उतनी भीड़ नहीं हुई है जितना इसका प्राइस बढ़ा हुआ अर्निंग के बेसिस पे। इसके बाद की बात करें तो अभी नूपुर के अंदर भी नियर अबाउट उससे अदानी से ज़्यादा की भीड़ देखने को बनती नज़र आती है। कुछ ऐसे स्टॉक भी हैं जो अभी भी अंदर वैल्यूड हैं एज पर द एवरेज के हिसाब से, क्योंकि तो नियर अबाउट 40 कहता है तो यहाँ पे कुछ 49 कहता है, कुछ 13 के आसपास कहती है। तो चलिए थोड़ा सा पॉइंटर इसको भी समझेंगे, आखिर किसके पीछे कितना का रिस्क फैक्टर बन। आइए तो क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ हम नज़र डालते हैं और इसके बारे में जानेंगे तो आखिर क्या है यहाँ पे, एज पर परसेंटेज भी देखेंगे, परसेंटेज ऑफ ग्रो क्या कहता है। तो नंबर के हिसाब से खेल देखा जाए तो वेल जो सेल्स निकल के आती है कंपनी का, वो जून टू जून के डेटा बेसिस में कहती है, क्या कहती है, इंक्रीज करती है, कहती है नहीं इंक्रीज तो नहीं करती, जबकि क्यू आर क्यू के हिसाब से भी गिरावट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में क्या कहती है, यहाँ कहती है कि हाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो थोड़ा सा अच्छा किया, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन भी नियर अबाउट 3 गुने से ज़्यादा आसपास, 3 गुने के नियर अबाउट जंप कर लिया। अब आती है प्रॉफिट को लेकर, तो प्रॉफिट के बारे में देखा जाए तो ये कहती है कि यहाँ पे 2 करोड़ 3 करोड़ के आसपास था, यहाँ 5 करोड़ के आसपास, मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि 1.5 गुना से ज़्यादा यहाँ मार्केट ने उछाल लगाया, जबकि यहाँ से भी वहाँ पे उछाल लगाती नजर आई। इसी चीज़ को यदि हम परसेंटेज वाइज आंकलन करके देखें तो परसेंटेज वाइज कहती है कि रेवेन्यू सोर्स में करीब 23% की उछाल थी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में करीब 87% की उछाल देखने को मिला था, इसमें गिरावट थी। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे नेट इनकम सोर्स में करीब 100% की जंप के साथ, जो नेट प्रॉफिट मार्जिन थी उसमें 162% की उछाल के साथ, और 128% की ईवीटा में भी जंप देखने को मिला है। अब आते हैं इसी चीज को ईयरली बेसिस पे, क्या ईयरली बेसिस में देखा गया तो कंपनी का जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है सेल को लेकर के, वो कहती है कि लास्ट ईयर से अच्छी खासी परफॉर्मेंस थी। और इसके अलावा यदि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ दे देखें तो 3% के आसपास जंप किया था, लेकिन इससे एक गिरा हुआ नज़र आई थी, जबकि लास्ट 12 महीने का डेटा थोड़ा सा इससे अच्छा इम्प्रूव करती नज़र आई है। नेट प्रॉफिट में जहाँ पे 15 करोड़ के आसपास था, पूरे 1 साल में करीब 9 करोड़ ही जनरेट कर पाया, जबकि लास्ट 12 महीने का डेटा कहता है 11 करोड़ के आसपास। इसी आंकड़े से निकल के आती है यहाँ पे। अब सवाल उठता है क्या इनके पास जो इंटरेस्ट का बर्डन था वो भी कुछ है, तो कहाँ कुछ ऐसा कुछ भी देखने को नज़र नहीं आई है, केवल केवल यहाँ पे देखने को नज़र आती है। वैसे पहले कोई भी ऐसा अदर इनकम सोर्स में भी नियर अबाउट द सेम रहा है, उसमें कोई बहुत बड़ी फेरबदल देखने को नज़र नहीं आई। अब आते हैं इसको समझने को लेकर के परसेंटेज वाइज, आखिर ईयर और ईयर बेसिस पे परसेंटेज वाइज क्या है। तो परसेंटेज वाइज जब देखें तो कहती है रिवेन्यू करीब 28% से उछाल करती है, ऑपरेटिंग करीब 5% बढ़ती है, नियर अबाउट 6% मान लेते हैं, नेट इनकम करीब 41% की गिरती है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी करीब 54% गिर के, ये कहता है ईबीटा करीब 44% की गिरावट दर्ज करती है। इसके बाद आकलन करते हैं कि प्रॉफिट हमेशा बुक किया गया है और इसमें देखा गया कि इंटरेस्ट का कोई बर्डन नहीं था कंपनी को लेकर के, फिलहाल तो कह सकते हैं कि डेट्स फ्री वाली सिचुएशन बनती है। तो बैलेंस शीट के बारे में क्या कहती है, तो बैलेंस शीट के फिगर इसमें ये कहती है जो टाइम टू टाइम बैलेंस, सबसे पहले बोरोइंग्स की तरफ देखें तो बोरोइंग्स यहाँ पे इंक्लूड किया है, लेकिन इसके लिए लायबिलिटी नहीं खरीदी थी। अब ये समझ नहीं आया कि इनका इंटरेस्ट का कुछ पार्ट नहीं था, ये हो सकता है कि मार्च 24 के अंदर लास्ट टाइम में एंट्री हुआ होगा जिसका 24-25 के अंदर इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जिसमें 1 करोड़ हमने देखा कि लास्ट क्वार्टर में इनका इंटरेस्ट की बर्डिंग बनी। इससे यूटिलाइजेशन क्या करते हैं, तो कहते हैं इनसे इन्होंने फिक्स एसेट्स को डेवलप किया 12 करोड़ के आसपास, और अपनी मार्केट में कारोबार ही बढ़ाया, तो कारोबार के क्रम में कहती है कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया, साथ में अदर एसेट्स की तरफ ये भी कहते हैं। तो अदर एसेट्स में क्या हुआ,
या इनका ट्रेड स्टेबल भी करीब 11-12 करोड़ के आसपास की निकलती है। 12 करोड़ इनका ये निकलता है, जबकि 12 करोड़ के बेसिस पे यदि हम रिस्क फैक्टर को देखें तो रिस्क फैक्टर इसके बारे में कहते हैं करीब 18 दिन का, जिसमें कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं माना जाता, क्योंकि 30 दिन, 45 दिन और 60 दिन, 90 दिन तक का अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग कंडीशंस और अलग अलग एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। अब प्रॉफिट्स आकलन करना ये जरूरी है कि 12 करोड़ के आसपास की यदि टोटल डेटर्स हैं तो यहाँ पे 9 करोड़ बनता है, मतलब 9 करोड़ का जो प्रॉफिट इन्होंने बुक किया है वो टोटल का टोटल इसमें क्या होगा, ऑब्जर्व हो जाएगा, उसको क्या करेगा, खा जाएगा कहने के लिए, तब भी इनके पास मार्केट में फंड रिस्क में लगा हुआ है 3 करोड़ के आसपास, जो कि इनके 18-20 दिन में आ जाए। बैलेंस शीट की फिगर की तरफ हम एक बार कंपेयर करके देखें तो वो कहती है जो शॉर्ट टर्म के अंदर, जो शॉर्ट टर्म इन द कैश और कैश शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वहाँ पर 137% की उछाल करती है। इसी क्रम की बात करें तो नेट एसेट्स भी करीब करीब 70% बढ़ने के बाद जो लाइबिलिटी है वो काफ़ी गुना से बढ़ जाती है। मतलब यहाँ पे एक डिमेरिट देखने को मिलता है कि जिस रेशियो से टोटल एसेट्स बढ़ा है उसके कई गुना से क्या बढ़ती है, टोटल लाइबिलिटीज में वृद्धि देखने को मिली है। अब आते हैं इसको समझने को लेकर के, जिनके क्या कहती है इसको रिस्क फैक्टर को और बाकी सारे एस्पेक्ट। यहाँ पे रिस्क फैक्टर हमने क्या देखा, रिस्क फैक्टर कुछ है नहीं रिस्क रिकंस्ट्रक्शन, रिस्क टू रिकंस्ट्रक्शन के अंदर। अब रिस्क टू रिटर्न की तरफ देखेंगे, उससे पहले एक नज़र डालते हैं इन्वेस्टर की मूड की तरफ, उससे पहले भी डालते हैं सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल इसके बारे में क्या कहते हैं, कहते हैं नोटिस ऑफ द शेयर होल्डिंग मीटिंग्स की बात करती है, जो कि अभी एजीएम का फेस्टिवल चल रहा है कंपनियों के लिए, ड्यू डेट की टाइम चल रही है। अब आते हैं निवेशक, निवेशक इसके बारे में क्या सोचते हैं, निवेशक का क्या आकलन है इस स्टॉक। निवेशक के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे टोटल टोटल 10,000 के आसपास के निवेशक बने हुए लगते हैं, जो कि लास्ट 30 जून तक की डेटा कहता है। इससे पहले स्टॉक में भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं थी, स्टॉक में करीब 4,000-5,000 के आसपास की भीड़ हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे भीड़ बढ़ती गई और 10,000 से ज़्यादा की भीड़ इकट्ठा हुई है। और ये भी कह सकते हैं कि भीड़ इकट्ठा होने की वजह से वहाँ जो प्राइस है इसको लेकर के स्टॉक में पी है, जो पी का आंकलन हम करते हैं ना स्टॉक पी, तो स्टॉक का पी यही आंकलन करते हैं आखिर भीड़ कितनी की है और कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। क्या कुछ ही लोगों ने अपने सारे के सारे जो शेयर हैं उसको भर के रखा हुआ है, या एस्पिटेड सभी काफ़ी सारे लोग यहाँ इंटरेस्टेड हैं। यदि मार्केट में काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड हैं तो कुछ तो बड़ी बात होगी, कुछ तो बड़ी बात होगी। साथ में कुछ ये भी देखना जरूरी है तो क्या इसमें FI और DI की भी तादाद है, क्योंकि तो ये एक संकेत ये देता है कि फंडामेंटली में बिल्कुल करेक्टली है और यहाँ पे फ्यूचर्स ग्रोथ की बात ज़्यादा करती नजर आती है। यहाँ पे देखा गया कि FI तो नहीं है, RDI की तादाद देखने को मिला, लेकिन छोटा सा पार्ट फॉल रेट है इन्वेस्टमेंट फंड का को लेकर के। अब आते हैं जो पब्लिक के पास जो होल्डिंग थी उसमें कुछ ऐसे नाम, तो कहते हैं इसमें कुछ डीलर्स लिमिटेड थी, इसके अलावा SUF की तरफ और कुछ ऐसे कंपनीज यहाँ पे लिस्ट में देखने को मिलती है जिनके पास अब काफ़ी सारे यहाँ पे फंड इन्होंने होल्ड करके रखा, मतलब ऑलमोस्ट तब भी देखा जाए तो 10,000 10,500 के आसपास की भीड़ खड़ी हो। अब सवाल उठता है क्या स्टॉक की परफॉर्मेंस लेवल क्या कहता है, उससे पहले एक नज़र डालते हैं चार्ट पे, जहाँ पे चार्ट पे हमने पहले कहा था स्टार्टिंग से जो स्टॉक ने एक क्या कहते हैं बुल कैंडल की तरफ भागती नजर आती है, एक बुल की तरफ भागती नजर आती है, बैक टू बैक भागती नजर आती है। उसमें क्या कारण है, उसके पास पीछे हमने फंडामेंटल को देखा जो कि इनको एक बैक सपोर्ट देती नजर आती है, और 6 महीने के डेटा इसके बारे में कहती है कि लगातार स्टॉक ने फिलहाल इस पोजीशन में आकर के कंपनी के पास अच्छा खासा क्या हुआ पता है, यहाँ पे अच्छी खासी वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, और वॉल्यूम क्या संकेत देता है कि मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाना है, वॉल्यूम ये संकेत देता है कि मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाना है, अर्थात यहाँ पे डिमांड को बढ़ाई गई है, डिमांड जब बढ़ी है तो मार्केट ने एक लंबी उछाल करती नजर आती है। और ये भी कह सकते हैं कि अपने पुराने जो रिकॉर्ड था जिसको कहते हैं ब्रेकआउट, ब्रेकआउट को तोड़ती नजर आती है, कैसे, इस फैक्टर से, यहाँ पे मार्कन करके देखिए, यदि इन चीज़ों को यदि मार्कन करके देखें तो यहाँ पे ये निकल के आती है, जहाँ पे उन्होंने जैसे ब्रेकआउट करने की सूचना मिली निवेशकों के बीच में उससे पहले से ये मार्केट रिएक्ट करना चालू किया था, जैसे इस पोजीशन के आसपास पहुंचने वाली थी मार्केट, उसके बाद मार्केट ने एक नई ऊंचाइयों को पहुंचने के लिए टारगेट फिक्स किया और मार्केट ने उछाल बनाई, जो कि पुराना जो रिकॉर्ड था इसका, जिसको कह सकते हैं ब्रेकआउट कब का तोड़ा है इसमें, जो इनका ब्रेकआउट था करीब अप्रैल वाला ब्रेकआउट उसको तोड़ती नजर आई है। उसके अलावा कुछ और चीज़ देखा जाए कंपनी को लेकर के, तो पिछले 1 साल का रिकॉर्ड था, ऐसा कोई डेटा नहीं है जहाँ पर उन्होंने ब्रेकआउट किया हो, तो
दोनों अप्रैल का ब्रेकआउट की बात ही करती नजर आती है, और एक महीने में देखने को ये मिली जो स्टॉक में कोई खास बिकवाली का प्रेशर नहीं था, ना खरीदारी का डिमांड था, लेकिन कुछ दिनों से इस स्टॉक में एक लंबी सी क्या हुई पता, वॉल्यूम लाई, और वॉल्यूम ये संकेत देने लगा कि मार्केट को ऊपर ले जाना है, मतलब यहाँ पे डिमांड बढ़ाई गई, जिसकी वजह से मार्केट ने अपर टू अपर कामकाज किया और ये लगातार बुल की तरफ भागता नजर आता। अब आते हैं एनालिसिस पार्ट को लेकर के, जहाँ पे ये देखा गया कि कंपनी डेट्स को लेकर के कहती है कि डेटर्स डे को लेकर के इम्प्रूवमेंट करती नजर आती है। इसके अलावा कहती है कि अभी फिलहाल ये 10 महीना के आसपास बुक वैल्यू से जब मार्केट में प्राइस पे कामकाज करती है। इनकी एक लाइब्रेटीज की बात करें जो कि कंटिनेंट लाइब्रेटी, इनके पास करीब 2600 करोड़ का देखने को बनती है, और अदर इनकम सोर्स भी इनका है, इसमें 6 करोड़ के आसपास की इन्होंने अर्निंग करके रखी है। अब आती है एज ऑन टाइम फ्रेम, जो अपने निवेशकों को इन्होंने दिया क्या रिस्क टू रिटर्न के बेसिस पे, रिटर्न के बेसिस पर उन्होंने पिछले एक महीने में अपनी डेटा में करीब 44% की उछाल लेके आई थी, पिछले 6 महीने के डेटा बेसिस में करीब 50% से ज़्यादा उछाल लेके आई, और पिछले एक साल के डेटा बेसिस में ये लगातार करीब 85%, और 5 साल के डेटा बेसिस को यदि आंकड़ा करके देखा जाए तो यहाँ पे कहती है कि बेसिकली 2022 में लिस्टेड हुई थी, उसके बाद आंकड़ा ये थी जो यहाँ पे अपने पुराने जितने रिकॉर्ड थे उसको तोड़ते नजर आए। उससे पहले तो यहाँ पे देखने को ये मिली, ये वाली पॉइंट ऑफ पर जैसे स्टॉक आने वाली थी, मार्केट को ये पता चला यहाँ पे क्या होने वाली है, एक रैली होने वाली है, और रैली का संकेत ये देता नजर आया, यहाँ पे रैली बन गई। क्या देखिए, इस प्राइस के आसपास कई बार स्टॉक ने सेम प्राइस जोन के आसपास टच करती नजर आई, जिसको रेजिस्टेंस बार बार कहा जा सकता है। इसके अलावा की बात करें तो एक रेजिस्टेंस की बात और देखा जा सकता है, जिस प्राइस के आसपास कई दफ़ा इसने मैचिंग करती नजर आई, और लोअर टू लोअर इनके पास ये सपोर्टिंग बना था, लेकिन उस सपोर्टिंग के आसपास ये क्या जा पाई, तो हाँ बिल्कुल जा पाई, अर्थात ये समझ में आई कि तो सपोर्टिंग के आसपास की प्राइस जब मूवमेंट करती है तो एक कह सकते हैं इसको बॉटम, अब बॉटम टू द क्या रेजिस्टेंस, तो बॉटम टू रेजिस्टेंस में काफ़ी अच्छी पैसे बिल्डअप हो जाते हैं, ये एक आंकड़ा निकल के आता है। आज के स्टॉक लर्निंग में इस कंपनी को लेकर जाना, जिसका नाम था नूपुर रिसाइकलर्स रिसाइकल लिमिटेड, और जिसके हमने एक एक एस्पेक्ट को समझने का प्रयास किया। दोस्तों कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी नहीं था किस स्टॉक को लेकर के, लगातार स्टॉक बढ़ती नहीं जाती और उसको बुल कैंडल की लिस्ट में डाला जा सकता है। तो आज के स्टॉक लर्निंग खत्म करते हैं, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है, पैसे को सेव करना भी है और पैसे को लेकर अवेयर भी होना है, जबकि मार्केट भी आपको बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ कराता है। तो आज की लर्निंग में हमने ये कुछ पॉइंट आउट को समझा, फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल पॉइंट, जहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देखा, और एज ऑन टाइम फ्रेम इसकी परफॉर्मेंस को देखा, जो लगातार अभी तक की ग्रोथ लेवल तो ठीक ठाक है, फ्यूचर्स क्या कहती है, क्योंकि मार्केट इनकी ऑर्डर्स के बेसिस पे, कामकाज के बेसिस पे ही डिसाइड कर पाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।